हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं आपका दोस्त राजा। उससे दोस्तों, आज हमें डिजिटेक ने भेजा है ये बहुत ही कमाल का बोवेंस माउंट रिफ्लेक्टर विथ बांडोर। जी हाँ दोस्तों, ये है एक बोवेंस माउंट रिफ्लेक्टर एंड बांडोर। अगर मैं इसको पूरे शेप की बात करूं तो यहाँ पे ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक तरीके से बांडोर है, यानी कि इसको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, और यदि आप लाइट को सेपरेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से लाइट को सेपरेट भी कर सकते हैं। इस बॉक्स में सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आती है। तो दोस्तों, जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का, आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये मेटल रिफ्लेक्टर है इसलिए काफ़ी ड्यूरेबल भी है। एंड इसके अलावा आपको ये एक बांडोर देखने को मिल जाता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, यदि मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे बॉक्स को निकालने के बाद आपको इस तरीके से एक हनीकॉम ग्रिड देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे कुछ चार पांच आपको अलग अलग जो है कलर टेम्परेचर चेंज करने के लिए, जी हाँ, टोटल चार आपको डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन, ब्लू, येलो एंड रेड कलर का आपको ये फिल्टर्स या जेल्स देखने को मिलते हैं। एंड ये बहुत कमाल के हैं, इससे आप अपने लाइट के टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं। तो आइए गाइस, इसे यूज़ कैसे करते हैं इसका मैं एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन देता हूं। और इसे यूज़ करके हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही कमाल के हेयर लाइट या सेपरेशन लाइट को जनरेट किया है। इसे आप किसी भी कंटिन्यूस लाइट में या फिर अपने स्ट्रोब लाइट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि बोवेंस माउंट का हो, क्योंकि ये बोवेंस माउंट का है। और इसीलिए यहाँ पे सिंपली मुझे क्या करना है, इसका बांडोर है, बांडोर लगाने का सिंपल सा तरीका है कि भाई आप इसे इस तरीके से फिट कर देंगे। तो गाइस, इसे लगाना जो है वो बहुत ही सरल है, देखा आपने कि बहुत इजी वे पे इस तरीके से लग जाता है। एंड अब इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को अगर आपको यूज़ करना है तो सिंपली देखिए, यहाँ से अगर मैं इस लाइट को ऑन कर देता हूँ तो लाइट का जो पावर है, अभी आप देख पा रहे हैं कि यदि इस पावर की बात करूं मैं तो ये काफ़ी फैल के जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर इस लाइट को मुझे कंसंट्रेट करना है तो सिंपली आपके सामने ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यदि इस बांडोर को मैं इस तरीके से सेट करता हूँ तो ये लाइट थोड़ी हद तक कंसंट्रेट हो जाती है। एंड इसमें आपको और अच्छी बात यह है कि आपको ये हनीकॉम ग्रिड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए, अभी जिस तरीके से लाइट फैल रही है, अगर ये वाला हनीकॉम ग्रिड जो है, जो कि एक छन्नी जैसा दिखता है, इसको अगर मैं सिंपली यहाँ पे फिट कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि ये जो लाइट फैल रही थी वो कंसंट्रेट हो जाती है, और इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप जो है लाइट को कंसंट्रेट कर सकते हैं। इससे जस्ट पहले अभी ये लाइट पूरे मेरे फेस के ऊपर आ रही थी, लेकिन अगर मैं इसे डायरेक्शनल यूज़ करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, इसे मैं डायरेक्शनल यूज़ जो है वो कर सकता हूँ। अगर मैं इसके इफ़ेक्ट की बात करूँ तो मैं इसे अपने बैकग्राउंड में इसका इफ़ेक्ट जो है आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली इस तरीके से लाइट को आप देखते हैं तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड में इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं। अगर मैं इसे ओपन कर दूँ, यहाँ पे मान लीजिए इसे थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, तो लाइट को आप इस तरीके से फैला सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्शन में दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट इस तरीके से फैल गई है, और यदि अगर मैं इसे कंसनट्रेट करना चाहूँ तो इस तरीके से मैं इसको कंसनट्रेट कर सकता हूँ। तो अगर ये लाइट मुझे शूट के दौरान एज अ हेयर लाइट चाहिए तो भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। और अगर मैं इसका कलर टेम्परेचर चेंज करना चाहूँ, सपोज़ मैं इसे ब्लू कलर में चेंज करना चाहूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो सिंपली मुझे इसे इस तरीके से लगा के यूज़ कर लेना है। तो इसे लगाना बहुत सरल है, इसे जस्ट मुझे इस तरीके से इसके अंदर फील कर देना है। एंड ये देखिए, अब आप इसके कलर को देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाइट लाइट आ रही थी ये अब ब्लू लाइट में चेंज हो गई है। तो यदि आप अपने हेयर पे या फिर फेस, साइड फेस पे अगर आप सेपरेशन देना चाहते हैं तो ये जो बांडोर है ये बहुत कमाल का है। एंड गाइस, अब इसकी बात करते हैं हम कि इसका मॉडल नंबर क्या है। तो DBR005 इसका मॉडल नंबर है, DBR005। एंड ये बहुत ही कमाल के प्राइस में आता है। आइए मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ। तो गाइज़, आइए इसके प्राइस की बात करते हैं। तो इसका जो प्राइस है ये है 2699 रुपये इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे जो आपको QR कोड दिख रहा है, उस QR कोड को स्कैन करके भी इसे डायरेक्ट आप बाय कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से लिंक के थ्रू जा करके भी आप इसे बाय कर सकते हैं। सो गाइज़, यदि आप एक ऐसा बोवेंस माउंट का बांडोर देख रहे हैं जो कि आपके स्टूडियो के लिए आउटडोर में भी अगर शूट करते हैं और आपको सेपरेशन चाहिए लाइट में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहिए, तो आप इस बोवेंस माउंट के
बार्न डोर को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप एक फोटोग्राफर हैं या सिनेमेटोग्राफर हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो, इस बार्न डोर का वीडियो कैसा लगा एंड आप और कौन से टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।